नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में डॉक्टर उस वक्त हैरान रह गए जब एक नवजात लड़की के पैदा होते ही उसके दो दांत बन जाए। इससे बच्ची को कोई नुकसान ना हो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी कि सर्जरी करके इन दांतों को निकाल देना चाहिए। यह घटना सामान्य नहीं है, ऐसे में बच्ची के परिजन भी तैयार हो गए। पिछले हफ्ते ये दांत निकाल दिए गए। बताया गया कि ऐसे मामले में कई बार 1000 में एक बार या फिर 30,000 में एक बार सामने आते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ऐसी घटना ज्यादा होती है। नवजात के मुंह में दांत होने से मां को ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त समस्या हो सकती है और बच्चे की जीभ में भी अल्सर जैसी बीमारी भी हो सकती है। 3 अप्रैल को जन्मी थी बच्ची। 4 को दिखे दांत। आपको बता दें कि SRPR लेआउट के रहने वाले प्रदीप कुमार की पत्नी मधु चंद्रिका ने 3 अप्रैल 2019 को एक बच्ची को जन्म दिया था। प्रदीप बताते हैं, बच्ची का दांत देखकर हम हैरान रह गए। हमें ये दांत दूसरे दिन ही दिखाई दिए थे। डॉक्टरों ने सलाह दी कि बच्ची 1 महीने की हो जाए तो सर्जरी करके दांत निकाल देने चाहिए। यह भी बताया गया कि ये दांत पीले रंग का नुकीले छोटे और अर्धविकसित थे। डॉक्टरों ने कहा कि हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने से ऐसी घटनाएं होती हैं। 8 मई को इस बच्ची की सर्जरी करके इसके दांत निकाल दिए गए। मदाहुट हॉस्पिटल की चीफ सर्जन डॉक्टर नीतू पुनानी ने कहा, ये दांत उपविकसित होते हैं, ये दांत हिल रहे थे और अस्थिर थे, ऐसे में उन्हें निकाला जाना ही था। माँ को अपनी बच्ची को दूध पिलाने में दिक्कत होती थी क्योंकि वह दांत से काट लेती थी।